फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट का मतलब ये है कि प्री मतलब पहले, यानी कि बिफोर, पॉलिनेशन मतलब पॉलिनेशन से पहले, यानी कि बिफोर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के प्रोसेस से पहले जो मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफाइट मतलब पॉलिन ग्रेन, या फिर इसको और हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर। तो पॉलिनेशन से पहले माइक्रोस्पोर या फिर पॉलिन ग्रेन का डेवलपमेंट कैसे होता है, हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझेंगे। बच्चों, पॉलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर बोलते हैं, आपको पता है। हमने आपको, अगर आप यहाँ सबसे पहले समझें कि पॉलिनेशन से पहले पॉलन ग्रेन है कहाँ पर, तो हमें याद होना चाहिए कि सपोज ये डायग्राम हमने किसका बनाया, एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन बनाया है। एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन होता है पॉलिनेशन के प्रोसेस से पहले। किसी भी एंथर के अंदर चार चेंबर्स जैसे दिखाई देते हैं, और इस चेंबर को हम माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम। बच्चों, माइक्रोस्पोरेंजियम का दूसरा नाम होता है पॉलन सैक, हम इसे पॉलन सैक भी बोलते हैं। पॉलिनेशन के प्रोसेस से पहले, या फिर हम कह सकते हैं कि एंथर के बस्ट होने से पहले पॉलन ग्रेन्स कहाँ होते हैं, इसी माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर पॉलन सैक के अंदर होते हैं। तो ये कंडीशन है किसकी, यहां पर क्या है आपके, पॉलन ग्रेन, या फिर बच्चों क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर, या फिर मेल गैमेटोफाइट, एक ही बात है, ठीक है, मेल गैमेटोफाइट। लेकिन बच्चों, इनिशियल स्टेज में जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है। देखिए किस तरीके से उसका फर्दर डेवलपमेंट होता है, इसी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर किस स्टेज से किस स्टेज पर एक पॉलन ग्रेन पहुंचता है, हम इन सारी स्टेप्स को समझने की बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे। चलिए थोड़ा समझते हैं। हमने आपको एक वीडियो में पीछे बताया हुआ है कि जो इनिशियल पॉलन ग्रेन है, क्या है, इनिशियल स्टेज में जो पॉलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्पोर या फिर मेल गैमेटोफाइट होता है वो यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। कैसा होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड। यूनिन्यूक्लिएटेड के साथ साथ जो न्यूक्लियस है वो होता है हैप्लॉइड। क्लियर। तो अगर स्टार्टिंग की इमेज बनाए हम, सपोज ये हमने इंटाइन बनाई, इंटाइन के ऊपर हमने ए एक्साइन बनाई। आपको पता होना चाहिए एक्साइन स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, इंटाइन पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। और बच्चों इसके अंदर ये क्या है, इसके अंदर ये हो गया न्यूक्लियस, और ये अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ये जो काफी कंपैरेटिवली काफी डेंस होता है, न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी में काफी रिच होता है प्रोटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म होता है इसका। बच्चों देखिए ये क्या हो गया, हमने भी क्या, आप थोड़ी देर पहले क्या बताया था, ये है एक्साइन जो कि स्पोरोपोलिनिन की होती है, अंदर वाली है बच्चों इंटाइन जो कि पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है, इसके अंदर क्या है बच्चों, ये है न्यूक्लियस पॉलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्पोर का, जो कि अभी इनिशियल स्टेज में है, इमेच्योर स्टेज में है। ये पॉलन ग्रेन की इमेच्योर स्टेज को शो कर रहा है जो डायग्राम हम ये बना रहे हैं, सपोज इसको ए नाम दे दें, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म। बच्चों एक चीज और समझते हैं, हमने बताया था किसी एक जगह पर मोनोकॉट में किसी एक जगह पर जर्म पोर होता है, जहां पर एक्साइन बहुत थिन होती है, और डाइकॉट में कोई तीन जगह होती है, ठीक है ना। तो जहां पर बहुत थिन होगी एक्साइन या फिर जहां पर एक्साइन एब्सेंट होती है, उस प्लेस को बच्चों हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं इस प्लेस को। ये इनिशियल कंडीशन है बच्चों। अगले केस में क्या होगा, ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, इसमें क्या होता है, इसमें माइटोसिस होती है, और माइटोसिस के थ्रू ये डिवाइड होकर के, ये जो सिंगल सेल है इसके अंदर सिंगल की जगह पर टू सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। चलिए हम अगली कंडीशन को समझते हैं। ये कंडीशन तो एक्साइन एज इट इज रहेगी, ये जर्मपोर हम यहां दिखा देंगे, इस तरीके से हमने ये डायग्राम यहां पर बना लिया है। अब यहां पर क्या होगा, डिवाइड होने पर क्या, पहली बात क्या होती है, इसका जो साइटोप्लाज्म है उसमें वैक्यूल्स डेवलप होते हैं। बच्चों जो वैक्यूल डेवलप होते हैं, तो वैक्यूल के डेवलप होने की वजह से, इसमें कुछ वैक्यूल जैसे डेवलप होते हैं, तो वैक्यूल डेवलप होने की वजह से जो न्यूक्लियस है वो एक सिंगल साइड में शिफ्ट कर जाता है, एक तरफ शिफ्ट कर जाता है, और जो उसका साइटोप्लाज्म हो जाता है होता है वो काफी न्यूट्रिएंट रिच हो जाता है, काफी न्यूट्रिएंट रिच हो जाता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इनका अमाउंट इसमें काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इस कंडीशन के बाद ये बच्चों क्या बनाया है, ये मैंने वैक्यूल बनाया है, क्या बनाया है, वैक्यूल, ये वैक्यूल बनाया हुआ है। इसके बाद की कंडीशन को अगर हम देखें, तो इसके बाद क्या होता है, ये जो सेल है इसके अंदर जो पॉलन ग्रेन है, या इनिशियल स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन है, इसके अंदर जो सेल है, ये सेल बच्चों फिर डिवाइड होती है, क्या होती है, ये सेल होती है डिवाइड, और डिवाइड होकर के बच्चों ये दो सेल्स बनाती है, क्या बनाती है, टू सेल्स का फॉर्मेशन यहां पर होता है। एक तो ये न्यूक्लियस हो गया, एक डिवाइड हो गया, एक न्यूक्लियस बना, और डिवाइड होकर के बच्चों एक दूसरी सेल यहां पर बनती है, क्लियर है, जो एक साइड से देखने को हमको मिलती है, ये दूसरी सेल का न्यूक्लियस हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, ये दो सेल्स बन गई यहां पर,
ये वाली जो सेल है ये है वेजिटेटिव सेल। क्या है? वेजिटेटिव सेल। बच्चों वेजिटेटिव सेल को हम ट्यूब सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूब सेल। इसको बच्चों एक और नाम दिया गया है, साइफोनोजिनस सेल। क्या बोलते हैं? साइफोनोजिनस सेल। और जो दूसरी सेल है बच्चों इसको क्या बोलते हैं? इसको हम जर्म सेल या फिर जर्मिनेटिव सेल, जर्म सेल भी बोल देते हैं। कहीं कहीं पर बुक में आपको ये भी लिखा मिलेगा कि इसका नाम क्या होता है, जर्मिनेटिव सेल होता है। बच्चों अब ध्यान से आगे की कंडीशन को थोड़ी सी समझने की कोशिश करिएगा। कुछ टाइम के बाद जो जर्मिनेटिव सेल होती है, इनिशियल स्टेज में ही जैसे डिवाइड होती है, जर्मिनेटिव सेल बनती है, वैसे ही इसके ऊपर एक कैलोज वॉल बन जाती है। एक वॉल बन जाती है जिसको बच्चों हम कैलोज वॉल बोलते हैं। क्या बनती है? कैलोज वॉल। तो इसके ऊपर एक कैलोज वॉल बन जाती है। कुछ टाइम के बाद क्या होता है, जो कैलोज वॉल होती है वो हो जाती है बच्चों डिग्रेड, डिजनरेट हो जाती है। जब कैलोज वॉल यहां डिजनरेट हो जाती है तो कैलोज वॉल के डिजनरेट होने पर, कैलोज वॉल के बच्चों डिजनरेट होने पर क्या होता है, कंडीशन कैसी दिखाई देती है कि देखो ये तो जो न्यूक्लियस हम बनाते हैं ना वेजिटेटिव सेल का बनाते हैं, वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म काफी डेंस होता है, न्यूट्रिएंट में काफी रिच होता है। और जो दूसरी सेल अभी हम जिसकी बात कर रहे थे, जनरेटिव सेल की या जर्म सेल की या जर्मिनेटिव सेल की, ये जो सेल होती है ना ये इसी के वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती है। तो जो जर्मिनेटिव सेल होती है बच्चों क्या होती है? जर्मिनेटिव सेल, ये जो जर्मिनेटिव सेल है इस वेजिटेटिव सेल, ये जो क्या है ये वेजिटेटिव सेल है पूरी की पूरी, ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में क्या करती है? फ्लोट करती है। बच्चों मैंने आपको पिछले वीडियो में इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। क्या होता है कि मोस्टली केसेस में टू सेल्ड स्टेज पर, ठीक है ना, टू सेल्ड स्टेज पर पॉलिनेशन होता है। अभी ये जो पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन लगभग एक मैच्योर पॉलन ग्रेन है, ठीक है, जो पॉलन ग्रेन, ये जो डायग्राम हमने पॉलन ग्रेन का बनाया है ना, ये एक मैच्योर पॉलन ग्रेन है और ये टू सेल्ड स्टेज पर है। किस स्टेज पर है? टू सेल्ड स्टेज पर। क्लियर है ना? तो लगभग जितने एंजियोस्पर्म्स हैं उन एंजियोस्पर्म में से 60% जो एंजियोस्पर्म्स हैं ना उसमें पॉलन ग्रेन इसी स्टेज पर जब पहुंचता है उसके बाद पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, एंथर रेप्चर होता है, तब पॉलन ग्रेन टू सेल्ड स्टेज पर मोस्टली केसेस में एंथर से रिलीज होते हैं। कुछ जगहों पर क्या होता है बच्चों कि जो पॉलन ग्रेन है उसका जो, उसकी जो जर्मिनेटिव सेल है वो दो मेल गैमिट्स में डिवाइड हो जाती है। तो चलो बच्चों नेक्स्ट केस को भी हम देख लेते हैं। अगर हम अगली कंडीशन को समझने की कोशिश करें, यानी कि थ्री सेल्ड स्टेज में क्या होगा, ये आपकी इंटाइन हो गई, ये हो गई एग्जाइन। तो कभी कभी क्या होता है, लगभग 40% केसेस में, 40% केसेस में क्या होता है कि ये तो न्यूक्लियस वेजिटेटिव सेल का दिखा दिया, जो जनरेटिव सेल थी वो डिवाइड हो जाती है और क्या बना लेती है? दो मेल गैमीट बना लेती है। तो यहां पर ये दो तो मेल गैमीट हो गए, दो क्या है बच्चों? दो तो है यहां पर मेल गैमीट, और एक कौन सी है? वेजिटेटिव सेल या फिर ट्यूब सेल या फिर साइफोनोजिनस सेल। तो कितनी सेल हो गई टोटल? तीन सेल हो गई, ठीक है। दो तो हो गए मेल गैमीट की सेल, दो हो गई मेल गैमीट की सेल और एक हो गई वेजिटेटिव सेल। तो बच्चों यहां पर कितनी कंडीशन हो गई, क्या कंडीशन हो गई? थ्री सेल्ड कंडीशन। तो यहां पर कौन सा पॉलन ग्रेन हो गया? थ्री सेल्ड पॉलन ग्रेन। तो थ्री सेल्ड पॉलन ग्रेन रिमेनिंग 40% एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं उनमें देखने को मिलती है। तो थ्री सेल्ड स्टेज पर जो पॉलिनेशन होता है वो 40% प्लांट्स में होता है, और 60% प्लांट्स में जो पॉलन ग्रेन होता है वो टू सेल्ड स्टेज पर पॉलिनेट करता है। क्लियर है? इस टू सेल स्टेज पर दो सेल है, वेजिटेटिव सेल और जर्मिनेटिव सेल। उम्मीद है ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।